राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम कमेंट वाले मामले में मानहानि का मुकदमा चल रहा था, जिसमें राहुल गांधी को गुरुवार को 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। लेकिन क्या आप राहुल गांधी को सजा दिलाने वाले शख्स पूर्णेश मोदी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आपको इस वीडियो में पूर्णेश मोदी के बारे में सब बताएंगे। राहुल गांधी को जिस मामले में सजा सुनाई गई है, वे याचिका उनके खिलाफ बीजेपी के विधायक और गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने दायर की थी। पूर्णेश मोदी लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। वे सूरत वेस्ट विधानसभा सीट का गुजरात विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। वे गुजरात सरकार में सड़क और भवन मंत्री रह चुके हैं। पूर्णेश मोदी 13वीं गुजरात विधानसभा में पहली बार विधायक चुने गए थे। वे उपचुनाव में जीत कर आए थे। उस समय बीजेपी की विधायक किशोर वंकावाला के निधन के बाद हुए चुनाव में बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी चुना था। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्णेश मोदी ने 77,000 वोटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इकबाल पटेल को मात दी थी। पिछले साल गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्णेश मोदी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने सूरत विधानसभा सीट पर कांग्रेस के संजय आर शाह को 1,04,312 वोटों के अंतर से मात दी थी। इस चुनाव में पहले पूर्णेश मोदी भूपेंद्र पटेल की सरकार में मंत्री थे। पूर्णेश मोदी 2009 से 2012 तक और 2013 से 2016 तक सूरत शहर में बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें ओबीसी समुदाय का बड़ा नेता माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्णेश मोदी का बचपन गरीबी में बीता है। रिपोर्ट में सूरत के नेताओं के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में चाय बेचने का भी काम किया है। पूर्णेश मोदी ने बाद में वकालत की पढ़ाई भी की। बीजेपी में एक छोटे से कार्यकर्ता की तरह जुड़ने के बाद वे बूथ कार्यकर्ता, वार्ड प्रमुख से लेकर विधायक तक का सफर तय कर चुके हैं। राहुल गांधी पर आए फैसले पर पूर्णेश मोदी ने मीडिया से क्या कहा, वो भी आप सुनिए। जो तथ्य के आधार पे चर्चा होती है और ये सामाजिक आंदोलन है, इसको राजकीय दृष्टि से देखना ही नहीं चाहिए। ये बात अलग है कि दोनों हम लोग राजकीय से जुड़े, लेकिन आंदोलन सामाजिक है। लड़ाई जारी रखेंगे आप भी? देखिए, अभी पूरा भारतवर्ष के 13 करोड़ से ज्यादा मोदी समाज के लोग हैं। पूर्णेश मोदी राजनीति के अलावा कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और समाज के लिए भी वो काम करते हैं।